जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का, मैं चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 10 खत्म कर दी है। उसका विविध ऐच्छिक प्रश्नावली देख रहे हैं, जिसमें 1 से लेकर 5 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। जितने भी क्वेश्चन है सब बड़े बड़े हैं, इसलिए 5 ही क्वेश्चन उसमें हो पाया था बेटा। तो आज देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन लगाते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा बाबू कि एक बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं AP और PV हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, खींची जाती हैं। वृत्त के एक बिंदु ई पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, जो पी और पीवी को क्रमशः सी और डी पर प्रच्छेद करती है। पीए बराबर 10 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज पीसीडी का परिमाप बताइए। ठीक है बेटा, एक कहा है बाबू, एक वृत्त है, यह एक क्या हो गया मान लिया वृत्त, ना वृत्त लगे तो भी मानना है, जिसका केंद्र क्या है बेटा ओ है। इसके बाहरी बिंदु मान लिए, यहां कहीं पे एक बिंदु है जिसका नाम बेटा पी, पी से इस पे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है ऐसे, और दूसरा स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया, टच नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन मान लेना स्पर्श हो गया। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या है ए है, यहाँ पे क्या है बी है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु बी है, यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बेटा एक स्पर्श रेखा और ऐसे खींचा गया है। ठीक है, जो कि यहाँ पे कितना पी ए को सी पर, इसको यहाँ पे बेटा डी पर प्रच्छेद कर रहा है। यहाँ पे बिंदु कौन सा है, बिंदु ई है। ठीक है, और कहा है, दिया है बेटा पी ए बराबर 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है, दिया है बाबू पी ए बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला बाबू कि त्रिभुज पी सी डी का परिमाप बताइए, यही बोला बेटा, त्रिभुज क्या निकालना, पी सी डी का परिमाप निकालना है बेटा, क्या निकालना, परिमाप। ठीक है, तो परिमाप देखोगे अगर ध्यान से, तो क्या होगा पी सी प्लस सी डी प्लस क्या होगा बेटा, हम लोग पी डी निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा, त्रिभुज पीसीडी का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो एक चीज देखना बेटा, अगर हम देखें पीए तो बराबर होगा पीबी के, होगा पीए बराबर होगा बेटा पीबी के। ठीक है, तो अगर हम लोग निकाल लें बेटा, क्या निकाल लें, पीसीडी। ठीक है, सीडी निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबू, तो आ जाओ यहां से हम लोग हल करते हैं, क्या करते हैं बेटा हल करते हैं, हल करेंगे, ध्यान देना। अगर बिंदु P से देखोगे तो पी ए बराबर पी बी होगा, क्यों, एक ही बिंदु से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं बेटा, तो पी ए जो होगा यह बराबर होगा पी बी के। ठीक है, एक ही बिंदु से 2 स्पर्श क्या है रेखाएं। ठीक है, पी ए बराबर पी बी अगर हो गया बेटा, और बिंदु C से देखोगे तो देखना क्या होगा, जो सी ए होगा सी ई के बराबर होगा, क्यों, बिंदु सी से स्पर्श रेखा है। ऐसे देखोगे बिंदु डी से तो जो डी बी होगा वह क्या होगा, डी ई के बराबर होगा। ठीक है, तो पी ए बराबर होगा बेटा पी बी के। और यहां से अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि पी सी प्लस सी ए, क्या लिख सकते हैं बेटा, पी सी प्लस सी ए, नहीं तो रहने दो, क्या बिंदु सी के लिए देखोगे, बिंदु C के लिए, अगर बिंदु C के लिए देखोगे बेटा तो क्या होगा, सी ए जो होगा बराबर हो जाएगा सीई के। ठीक है, और बिंदु D के लिए देखोगे बेटा, D के लिए तो डी बी जो होगा बेटा, डी बी जो बराबर होगा डी ई के, क्यों, क्योंकि बेटा एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया बाबू, हमें निकालना है पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी, यही निकालना बाबू त्रिभुज का परिमाप। तो सब भुजा पता होना चाहिए बेटा, क्या पता होना चाहिए, सब भुजा की लंबाई पता होना चाहिए। ठीक है, अगर सब भुजा की लंबाई पता हो तो हम लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान देना बाबू, त्रिभुज पी सी डी का परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा बेटा क्या, पी सी, पी सी प्लस क्या होगा बेटा, सी डी होगा, पी सी प्लस सी डी और प्लस पी डी हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा त्रिभुज पी सी डी का परिमाप। ठीक है, एक चीज ध्यान देना बाबू, पी सी को पी सी रहने दो, क्या रहने दो, पी सी,
सीडी को लिख सकते हैं बेटा सीई प्लस डीई, क्या लिख सकते हैं सीई प्लस डीई, और इसको लिख सकते हैं बेटा पीडी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, पीसी को पीसी रहने दो बेटा, पीसी प्लस सीई किसके बराबर है बेटा, सीई सीए के या एसी के बराबर है, लिख सकते हैं ना बेटा सीए के, और प्लस डीई किसके बराबर है, डीबी के बराबर है, ठीक है, डी बी के प्लस पी डी। पीसी प्लस सीए, पीसी प्लस सीए बेटा पूरा हो जाएगा पीए या एपी, ठीक है, पीए हो जाएगा, प्लस डीबी, डीबी और प्लस पीडी क्या हो जाएगा बेटा, पूरा पीबी हो जाएगा, ठीक है। तो पीए बराबर है पीबी के, पीए बराबर पीबी, पीबी का मान बेटा कितना है 10 है, तो ये 10 होगा, तो यह भी 10 होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, 10 10 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग नोट कर लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। बाबू आप लोग वीडियो लाइक करना भूल जाते हो, तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, मतलब लाइक मतलब क्या होता है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पसंद कर दीजिए, पसंद वाला बटन दबा दीजिए, लाइक मतलब पसंद होता है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है मेरे रसगुल्ला। क्या कह रहा है बेटा सातवां, एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है, ठीक है। एबी को व्यास मानकर, क्या मानकर बेटा, एबी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है जो कर्ण एसी को पी पर प्रच्छेद करता है, जो कर्ण एसी को पी पर प्रच्छेद करता है, सिद्ध कीजिए पी पर वृत्त की स्पर्श रेखा बीसी को समद्विभाजित करती है। बाबू यह एक वृत्त है, ठीक है, इसका एक व्यास है, क्या है, एक व्यास है, कोण कौन सा कोण बोला, समकोण, कोण बी बेटा, यह कोण ए है, यह कोण क्या है बी है, यह कोण बेटा समकोण है, यह कोण क्या है 90 अंश है, इसका बेटा कर्ण है, क्या है कर्ण बोला है बाबू एसी, यही कर्ण है, तो मान लिया ऐसे कर्ण गया है, समकोण रहा होगा तो ऐसे कर्ण गया है बेटा यहाँ पे सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पी पर प्रच्छेद कर रहा है, कहाँ पे बेटा, बिंदु पी पर, और पी पर क्या किया गया बेटा, इसके साथ एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है, क्या खींचा गया, एक स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है, ये रेखा सीधी होनी चाहिए बेटा, हाथ से बना है तिरछा हो गया है, ये स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। तो स्पर्श रेखा बीसी को जहां पे काट रहा है, इसको मान लिए क्यू, ठीक है, ये हो गया बेटा पी। एक काम करो बाबू, इसको बी को पी से मिला दो, और ए तो पी से मिला ही है, ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या सिद्ध करना बाबू, बोला क्या है कि सिद्ध कीजिए बीसी को समद्विभाजित करता है, यह बेटा क्या करता है, बीसी को समद्विभाजित करता है यह बेटा, तो मतलब पी क्यू जो होगा क्यूसी के बराबर होगा, ठीक है, सिद्ध करना बाबू, सिद्ध करना है क्या, बी क्यू बराबर पी, पी नहीं है बेटा क्यूसी है, ठीक है, बी क्यू बराबर क्यू सी, यह हमको क्या करना है, बी क्यू बराबर क्यू सी सिद्ध करना है, ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। और दिया है बाबू त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण है, ठीक है, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी 90 अंश, ठीक है, क्या किया है दिया है, ठीक है, इतना समझ में आया, क्या है 90 अंश है। एक काम करो बेटा, क्या करो, इसको मान लो कोण नंबर 1, ठीक है, इसको मान लो बेटा कोण नंबर 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, तो इसको मान लेना 5, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोण 1 2 3 4 5 मान लेना, मान लोगे बेटा कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप त्रिभुज एबीसी में देखोगे बेटा तो क्या होगा, त्रिभुज एबीसी में देखा जाए तो क्या होगा, एबीसी, ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में क्या होगा बेटा, कोण 1 प्लस कोण बी और प्लस कोण 5, यही होगा बेटा, कोण 1 होगा, कोण बी पूरा और कोण 5 बराबर, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, इतना हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोण 1 का मान 1, बी का मान 90 अंश प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश, ठीक है, तो
90 को उधर करो, कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 माइनस 90, ठीक है। तो कोण 1 प्लस कोण क्या है बेटा, 5 है, बराबर 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, क्या हो गया बेटा, कोण 1 प्लस कोण 5 मतलब यह कोण और यह कोण मिलके दोनों कितने होंगे, 90 अंश होंगे। वैसे आप लोग देखते ही समझ जाएंगे कि यह 90 है, तो ये दोनों मिलके 90 होंगे, क्योंकि 90 180 होता है, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखा जाए बेटा तो क्या होगा, अगर देखें बाबू तो क्या होगा कि कोण 1 जो यहां पे दिख रहा है बेटा, कोण 1, यह कोण बेटा 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों बेटा, यह जीवा है, यह भी जीवा, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना वैकल्पिक कोण है, तो कोण 1 बराबर क्या होगा बेटा, कोण 3 हो जाएगा, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। कोण 1 प्लस कोण कितना बेटा, 3, दोनों मिलके कितने होंगे बेटा, कोण 1 प्लस कोण 3 नहीं, कोण 1 बेटा यह बराबर होगा कोण 3 के, सॉरी कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, ठीक है। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना वैकल्पिक कोण है, ठीक है, कर सकते हैं बाबू। उसके बाद 1 बराबर 3 के बेटा, तो हम 1 की जगह 3 लिख सकते हैं, तो यहां पे अगर लिख दे कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 90 अंश, लिख सकते हैं बाबू। यहां पे 1 था, यहां पे हम क्या किए, 3 कर दिए, तो कोण 3 प्लस कोण 5 हो गया बेटा कितना, 90 अंश, ठीक है, आराम से कर लोगे। अब बाबू इतना आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब इसके आगे हम चले, इसको मान लेना समीकरण नंबर मन करेगा 2, यह समीकरण नंबर आपका 1 हो गया बाबू, यह समीकरण नंबर आपका हो गया 2, ठीक है। उसके बाद हम अगर देख लें बाबू, त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी में, तो कोण बेटा ए पी बी कितना होगा, यह कोण बेटा 90 अंश होंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा पर जीवा द्वारा बना कोण है, ठीक है। कोण ए पी बी कितना हो जाएगा बेटा, 90 अंश, ठीक है, स्पर्श रेखा पर जीवा द्वारा बना कोण है, ठीक है, जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर बना कोण, ठीक है, हो जाएगा। चलो कोण ए पी बी बराबर 90 अंश हो गया, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से बाबू कोण हम बी पी सी अगर देख लें, कोण बी पी सी, तो बेटा यह पूरा एक रेखा है, इतना 90 होगा, इधर भी 90 होगा, ठीक है। तो कोण बी पी अगर देख लें, बी पी सी, यह हो जाएगा, यह भी कितना होगा बेटा, 90 अंश होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोण बी पी सी बराबर हो जाएगा 90 अंश, कोण बी पी सी को क्या लिख सकते हैं बेटा, इतना, इधर देखो कोण 3 है, इधर कोण 4 है, तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 90 अंश, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 3। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बाबू हम समीकरण 3 प्लस 5 बराबर 90 और 3 प्लस 4 बराबर 90 है, दोनों से देख लें बाबू तो क्या होगा, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, ठीक है, तभी ये थोड़ा डाउन लग रहा है। समीकरण 2 व 3 से क्या होगा बेटा, दोनों 90 हैं तो आपस में बराबर होंगे, कोण 3 प्लस कोण, रूट लगा रहे हैं, कोण 5 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, इससे यह कैंसिल, कोण जो 5 होगा बेटा कोण 4 के बराबर हो जाएगा। बाबू एक चीज देखना, कोण 5, यह कोण बेटा इस कोण के बराबर हो गया, इतना आप लोग समझ गए कि कोण 5 हो गया बेटा कोण 4 के बराबर। तो एक चीज देखोगे बेटा, समान कोण के सम्मुख भुजा या कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, पी क्यू होगा, और इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, क्यू सी होगी, ठीक है। तो यहां से क्या होगा बेटा, पी क्यू बराबर क्यू सी, क्यों, समान कोण के क्या है, सम्मुख भुजा है, ठीक है, इतना समझ में आया बाबू, पी क्यू बराबर क्यू सी हो गया। अब अगर हम देखें क्यू से, बिंदु क्यू के लिए देखेंगे बेटा, बिंदु क्यू के लिए, ठीक है, इसको मान लिया बाबू समीकरण नंबर 4, इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 4, ठीक है। बिंदु क्यू के लिए देखोगे बेटा, जो बी क्यू होगा या क्यू बी जो होगा, क्यू पी के बराबर होगा या पी क्यू के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। एक ही बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं दिख रहा है ना बेटा, तो क्या होगा, यह बराबर होगा, क्यों, क्योंकि
एक ही बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है बेटा, अब यहां से अगर देखोगे BQ बराबर PQ हो गया। अब यहां से अगर देखा जाए बेटा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 5, PQ BQ के बराबर है, PQ QC के बराबर है, तो समीकरण लिखना बेटा 4 व 5 से। तो क्या होगा, ध्यान देना, यहां से करेंगे बेटा तो जो QC होगा क्या होगा, या जो BQ होगा वह क्या होगा, QC के बराबर होगा। BQ जो होगा QC के बराबर होगा, यही हमको लाना था, यह आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बाबू क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कितना आप लोग समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको हम मिटा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बाबू थोड़ा सा बड़े बड़े हैं, लेकिन लगाओगे एक बार दो बार लगाओगे, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पीछे करके देखना, 3 बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक देखते रहना और लगाते रहना। एक टाइम ऐसा आएगा कि सब क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा, किसका, गाजर का। ठीक है, तो चलो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, केंद्र ओ वाले वृत्त पर ए बी एक व्यास है। ठीक है बाबू, केंद्र ओ वाला एक वृत्त है। अब जब वृत्त है तो बाबू अधिकतर वृत्त जितने बन रहे हैं केंद्र ओ वाला ही बन रहा है। एक केंद्र हो गया मान लिया ओ, यह ए हो गया, यह बिंदु बी हो गया। ठीक है, कह रहा है ए बी व्यास है। ठीक है भैया, मान गए ए बी व्यास है। और एसी एक जीवा इस प्रकार है कि, क्या है बेटा, एसी एक जीवा इस प्रकार है कि कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, सी पर वृत्त की स्पर्श रेखा बढ़ाई गई ए बी को बिंदु डी पर प्रच्छेद करती है, सिद्ध कीजिए कि। बेटा ए बी को बिंदु डी पर प्रच्छेद, कहीं पे बिंदु डी है, यहां से एक कोण, एक बेटा रेखा गया जीवा जो यहाँ पे कोण 30 अंश का बना रहा है, यहाँ पे बिंदु सी है और सी पे एक स्पर्श रेखा, ऐसे बेटा इसको बिंदु कहाँ पे, डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, ये बिंदु सी है, यही है बाबू। उसके बाद क्या कहा है कि प्रच्छेद करती है, सिद्ध कीजिए कि बी सी बराबर बी डी। क्या सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है बेटा बी सी, बी और सी से अगर इसको मिला दे बेटा बी सी हो जाएगा, बी सी बराबर बी डी, मतलब यह बड़ा खींचा गया, इसको भी छोटा करना चाहिए था, इसके बराबर इसको सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है बेटा बी सी बराबर बी डी। ठीक है, दिया क्या है बेटा, दिया है, क्या दिया है, कोण बी ए सी बराबर 30 अंश, कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री, चलो यहां से हो गया। अब बाबू क्या किया जाए, तो देखना अगर देखा जाए तो एक चीज यहाँ पे 90 अंश बन जाएगा बेटा, क्या होगा यहाँ पे कोण ए सी बी अगर देखेंगे तो 90 अंश हो जाएगा, तो यहां से अगर हम मिला दें बी सी बराबर बी डी, अगर बाबू हम यह कोण और यह कोण बराबर आ जाता है, इसके सामने की भुजा आपस में बराबर होंगे, हम कह सकते हैं यहाँ पे 30 तो है, तो 30 यहाँ पे है, तो बेटा यहाँ पे 30 होगा, वहां पे 30 होगा, तो वहां पे कैसे निकलेगा, एक कोण निकल जाए हमारा काम हो जाएगा, यह कोण इस दोनों कोण के बराबर होगा। ठीक है बाबू, तो अगर हम देखें कोण ए सी बी देख लेते बेटा, कोण ए सी बी, ठीक है, कितना बेटा कोण ए सी बी, पूरा कोण बेटा स्पर्श रेखा पर दो जीवाएं मिल रही हैं, ए सी बी, सॉरी कोण ए सी बी, यह वाला कोण कितना होगा बेटा 90 अंश होगा, कोण ए सी बी क्या होगा बेटा, कोण ए सी बी बराबर 90 अंश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा पर जीवाएं क्या होती है बेटा, लंब होती हैं, मतलब दो जीवाएं जाकर मिल रही हैं, तो स्पर्श रेखा पर दोनों जीवाएं हैं। ठीक है, यहां पे हो जाएगा बेटा स्पर्श रेखा पर मिली दो जीवाएं हैं। ठीक है बेटा, ये 90 हो जाएगा,
अगर हम देखें बाबू कोण, यह कोण, यह और कोण, यह तीनों देख लें क्या होगा। ध्यान देना कि यहां से अगर देखें त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण ए प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण ए बी सी बराबर कितना होगा 180 अंश। कोण ए बेटा, कोण ए सी बी, ये वाला कोण और यह कोण कितना हो जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का एकफल 180 होता है। ए का दिया बेटा कोण ए बराबर जो दिया है लिख लेना 30 अंश, यही तो है। तो 30 अंश प्लस कोण ए सी बी बेटा आया है 90 अंश प्लस कोण ए बी सी बराबर 180। तो 90 30 120 अंश प्लस कोण ए बी सी बराबर 180, ठीक है। कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस 120, ठीक है। तो कोण ए बी सी बराबर कितना 60 अंश हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू यहां से अगर किया जाए तो क्या होगा, ए बी सी बराबर 60 अंश, मतलब यह कोण आ गया बेटा 60 अंश आ गया, और क्या बेटा यह आ गया 90 अंश। एक चीज देखना बेटा कि यह क्या होगा, यह 30 होगा, आराम से लिख सकते हो आप लोग बेटा, क्या लिख सकते हो उसको 30 लिख सकते हैं हम लोग। तो वहां से अगर बी डी सी हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा हमारा काम हो जाएगा, कितना होगा एकांतर वृत्त खंड कोण हो जाएगा बेटा, एकांतर वृत्त खंड के कोण से यह हो जाएगा कितना 30 अंश। तो 30 अंश वह अगर हो रहा है तो हमारा काम हो जाएगा, क्या होगा बेटा अगर कोण हम निकाल लें बी सी डी, कोण बी सी डी होगा बेटा कोण बी ए सी के, एकांतर वृत्तखंड कोण से हो जाएगा बेटा कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा 30 अंश, ठीक है, ये हो गया बेटा 30 अंश। तो यहां से अगर करें हम क्या होगा बेटा, किसी त्रिभुज के यह बाह्य कोण है बाबू, तो दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा बाबू। एक चीज देखना क्या होगा, यहां से कोण ए बी सी जो होगा यह बराबर होगा कोण किसके बेटा, बी सी डी के, कोण बी सी डी और प्लस कोण सी डी बी के, ठीक है। इसका वैल्यू कितना बाबू 60 है, बराबर बी सी डी का आया 30 प्लस कोण सी डी बी, यह इधर आएगा बेटा 60 माइनस 30 बराबर कोण सी डी बी, तो कोण सी डी बी बराबर 60 में से 30 गया 30 आ गया, ठीक है बेटा, यह भी 30 आ गया और यह भी 30 आ गया, तो दोनों आपस में बराबर होंगे बेटा। तो कोण कौन सा, कोण बी सी डी बराबर आ गया बेटा कोण बी डी सी या सी बी सी डी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, लिख देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है बेटा 30 अंश है, ठीक है, दोनों 30 अंश है, हो गया। तो यहां से लिख सकते हैं बेटा इसके बी सी डी, इसके सामने की भुजा क्या होगी बी डी बराबर होगी किसके बी सी के, क्यों, समान कोण के सम्मुख भुजा हो जाएगा, ठीक है, समान कोण के सम्मुख क्या होगा भुजा हो जाएगा। ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा, नौवा भी लगाते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटा ये सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के एक चाप के मध्य बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा उस चाप को मिलाने वाली जीवा के समांतर होती है, ठीक है, सिद्ध कीजिए चाप के मध्य बिंदु पर, बेटा यह वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र क्या है ओ है, यहाँ पे बेटा एक चाप इसका है, ठीक है, मतलब ये जीवा है, ठीक है, ये क्या बनेगा बेटा यह चाप बन जाएगा, यह जीवा खींच दिए बेटा तो यह क्या बन जाएगा चाप बन जाएगा। जीवा मान लिया बाबू ए और बी है, चाप के मध्य बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये मध्य बिंदु हो गया बेटा, इस पर एक स्पर्श रेखा अगर खींच दिया जाए ऐसे, मान लिया स्पर्श रेखा स्पर्श करता हुआ गया हो, ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गया बेटा, ठीक है, उसके बाद क्या कहा
इस पर मिलाने वाली रेखा, मान लिया स्पर्श जहां पे कर रहा है इसको बिंदु यम मान लेते हैं, ठीक है बेटा, इसको मान लेते हैं टी, इसको मान लेते हैं टी डैश। तो इसको हम यहां से मिला दे रहे हैं बेटा, इसको बी से यहां मिला दे रहे हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब यहां से कह रहा है, क्या कहा है बाबू, मिलाने वाली जीवा के समांतर होते हैं। सिद्ध करना बेटा, क्या सिद्ध करना, ध्यान देना, सिद्ध करना बेटा कि ए बी समांतर टी एम टी स्पर्श रेखा के, क्या सिद्ध करना है, ए बी समांतर टी एम टी डैश, ठीक है, यह चीज हमको सिद्ध करना है। अब त्रिभुज बेटा ए बी एम में अगर हम देख लें, क्या देखें, त्रिभुज ए बी एम में, ठीक है, ए बी एम यही है बेटा। इसमें अगर देख लें तो यह मध्य बिंदु है बेटा, चाप का मध्य बिंदु है, तो ए बी जो होगा बी एम के बराबर, ए एम जो होगा बी एम के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो ए एम जो होगा बेटा बराबर होगा बी एम के, ठीक है, क्यों, क्योंकि एम चाप ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है बेटा। तो समान भुजा के सम्मुख कोण ए एम का क्या होगा, कोण बी, कोण बी जो होगा, और बी एम का क्या होगा, कोण ए, क्यों, समान भुजा के क्या लिखना बेटा, सम्मुख, सम्मुख कोण, ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण लिख देना, सम्मुख नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, सम्मुख कोण, क्योंकि राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है, ठीक है, इतना हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यहां से इतना हो गया, कोई भी दिक्कत, कोण बी बराबर कोण ए के हो जाएगा। और अगर देखें बाबू तो क्या हम देखेंगे कि ए एम टी जो होगा वह कोण क्या होगा, बी एम टी के, बी एम टी नहीं, हाँ बी एम टी डैश, यही तो होना चाहिए बेटा, ए एम टी, अगर यह कोण देखें बेटा, यह कोण यही है, ए एम टी जो होगा बेटा ये ए बी एम के बराबर हो जाएगा, किसके बेटा, एकांतर वृत्त खंड से ए बी एम, ठीक है, ए बी एम, तो कोण ए एम टी बराबर होगा कोण ए बी एम, ए बी एम, ठीक है, ए बी एम एकांतर वृत्त खंड बेटा क्या हो जाएगा, एकांतर वृत्त खंड, ठीक है, वृत्त खंड। अब बाबू एक चीज ध्यान देना, इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर एक, इसको मानते हैं समीकरण नंबर दो, बेटा ए एम टी कोण बी के बराबर, कोण बी यहां पे है, यही है ना, देखो यहां पे बी है तो यहां पे भी बी है, तो मतलब कोण ए बराबर होगा ए एम टी के, ठीक है, हम लिख सकते हैं समीकरण एक व दो से क्या होगा, कोण एक बराबर हो जाएगा कोण ए एम टी के, मतलब यह कोण बेटा इस कोण के बराबर हो गए, एकांतर कोण बराबर हो गया बेटा, अतः हम लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं ए बी समांतर होगा टी एम टी डैश के, क्यों बेटा, क्योंकि एकांतर, एकांतर कोण क्या है, एकांतर कोण बराबर है, ठीक है, एकांतर कोण बराबर है, ये हो जाएगा इसका, ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर कौन सा था, नौ था, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है, ये था बाबू क्वेश्चन नंबर आपका नौवा, इसको हम मिटा रहे हैं, चलते हैं दसवें नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं दसवां क्या कह रहा है बेटा, उसको भी लगाया जाए, आ जाओ दसवें नंबर क्वेश्चन पे, दसवां क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है संलग्न आकृति में केंद्र ओ ओ डैश वाले दो वृत्त को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए बी सी डी पर परस्पर बिंदु ई पर प्रच्छेद करती हैं, सिद्ध कीजिए कि ओ ई ओ डैश समरेखीय हैं, मतलब उनके बीच का जो कोण है बेटा ओ ई, ई पे जो कोण बन रहा है 180 बन जाए हो जाएगा समरेखीय है, एक रेखा में है, ठीक है बेटा, देखना चित्र क्या है बाबू, एक वृत्त है और क्या है दूसरा वृत्त भी है, इसका केंद्र क्या है ओ है, इसका केंद्र क्या है ओ डैश है, ठीक है। अब बाबू अगर हम ओ ओ डैश को मिला दें, ओ ओ डैश को मिला दें, यहां से एक रेखा बेटा हम खींचे ऐसे, ऐसे गया है कुछ गया होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे, और यहां से एक रेखा बेटा ऐसे खींचे कुछ ऐसे गया होगा, इस दोनों पे क्या है स्पर्श रेखा है, बिंदु ई यहाँ पे है, ठीक है, और क्या दिया है बाबू, यहाँ पे दिया है ए बी सी डी, ये दिया है बेटा यहाँ पे जहां पे इसको टच किया स्पर्श रेखा जहां पे बना है बेटा,
यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है जहां पे टच किया, ठीक है। यहाँ पे बेटा सी है, यहाँ पे क्या है डी है। इतना समझ में आया? चलो ठीक है। अब बाबू यहां से क्या करें, हम बिंदु ओ को ओ ए से मिला दें और सी से मिला दें, ओ डैश को डी से मिला दें और बी से मिला दें, ठीक है। इतना हो जाएगा। तो अगर करोगे बेटा तो रचना करना पड़ेगा, रचना, ठीक है। बिंदु ओ को ए व सी से मिलाया, ए व सी से मिलाया, ठीक है। तथा बिंदु ओ डैश को किससे बेटा, डी व बी से मिलाया, डी व बी से मिलाया, ठीक है, डी व बी से मिलाया। अब यहां से अगर देखें बेटा, हमें सिद्ध करना ओ ई ओ डैश संरेखी है। क्या करना है बेटा, यह सिद्ध करना है कि ओ ई ओ डैश क्या है, संरेखी है, ठीक है। और अगर देखें बाबू तो यहां पे दो त्रिभुज बन जाएगा, इसमें देखेंगे ए ओ ई और ओ सी ई, दो त्रिभुज बन रहा है, क्या बनेगा बेटा, दो त्रिभुज बन जाएगा। तो अगर देखेंगे, चलो त्रिभुज ओ ए ई व त्रिभुज ओ सी ई में क्या होगा, ओ ए ई और ओ सी ई में बेटा इसमें यह क्या है, यह इसके बराबर होगा, ठीक है। ओ ए बराबर ओ सी, तो ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी, क्यों, दोनों आर है, ठीक है बेटा। और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, यह 90 अंश होगा बेटा, यह 90 अंश होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा बेटा, ओ ई जो होगा ओ ई के बराबर होगा, ओ ई बराबर ओ ई, क्यों, कॉमन है, उभय निष्ठ है, ठीक है। इतना समझ में आएगा बेटा कि यह क्या है, उभय निष्ठ है। अगर हम देखें बेटा कोण ओ ए ई बराबर ओ सी ई हो जाएगा, ठीक है, कोण ओ ए ई बराबर कोण ओ सी ई, क्यों बेटा, दोनों समकोण है, ठीक है, 90 अंश है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ ए ई सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ सी ई के आर एच एस से, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे बेटा, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लिख सकते हैं ए ई ओ, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, कोण ए ई ओ बराबर होगा कोण सी ई ओ के, ठीक है, सी पी सी टी से, क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल, ठीक है, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसमें करोगे बेटा त्रिभुज ओ डैश डी ई और ओ डैश बी ई, ठीक है, क्या करोगे, इसी प्रकार त्रिभुज लिखना बेटा, या त्रिभुज ओ डैश डी और ई व त्रिभुज कौन सा है, ओ डैश बी ई में, ठीक है, ओ डैश डी जो होगी किसके बराबर होगी, ओ डैश बी के, ठीक है, ओ डैश डी क्या होगा, ओ डैश डी बराबर ओ डैश बी, ठीक है, दोनों आर है, नहीं तो डायरेक्ट बेटा आर इसी प्रकार करके लिख देना कोण बराबर, ठीक है। अब यहां से जो होगा ओ डैश ई बराबर होगा ओ डैश ई के, क्यों, दोनों उभय निष्ठ हैं, ठीक है, उभय निष्ठ हो जाएगा। आगे आओगे बेटा तो क्या होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, 90 अंश होंगे दोनों, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है बेटा, तो कोण ओ डैश डी ई, ओ डैश डी, ओ डैश डी ई बराबर होगा कोण ओ डैश बी ई, क्यों बेटा, दोनों समकोण है, ठीक है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज कौन सा, ओ डैश डी ई सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ डैश क्या है बेटा, यहाँ पे ओ डैश सी ई के, ठीक है, ओ डैश, ओ डैश नहीं, यहाँ पे बेटा ओ ही रहेगा, कहाँ पे गया, कौन सा त्रिभुज हम लोग लिए, ओ डैश बी ई, ओ डैश बी ई के, ठीक है, हो जाएगा बाबू, ये भी आर एच एस से, ठीक है, कर लोगे। यहां से बाबू ओ डैश ई डी जो होगा कोण ओ डैश ई डी बराबर होगा कोण ओ डैश ई बी के, सी पी सी टी सी हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद जब इतना आप लोग कर लोगे बाबू, देखना यह कोण आ गया इस कोण के बराबर और यह कोण आ गया इस कोण के बराबर, इतना हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम देखें बाबू, देखना क्या होगा, ए ई सी,
कोड ए ई सी बराबर होगा बेटा डी ई बी के। क्या होगा बेटा? कोड डी ई बी के बराबर होगा, ठीक है। कोड डी ई बी कैसे बेटा? शीर्षा विमुख कोण से, ठीक है। कोण ए ई सी बराबर हो जाएगा डी ई बी के। अगर बाबू हम इसका आधा निकालें, कोण ए ई सी का आधा और कोण डी ई बी का आधा, तो क्या होगा? आएगा ए ई ओ, आ जाए कोण ए ई ओ बराबर कोण क्या है? डी ई ओ डैश। कोण डी ई ओ डैश के बराबर आ रहा है, यही आ रहा बेटा। या यह हो सकता है CEO, कोड CEO बराबर कोड क्या हो जाएगा? BEO डैश, BEO डैश। या बेटा इस चारों आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। अतः हम लिख सकते हैं, अतः OEO डैश क्या होंगे? संरेख होंगे या संरेखी होंगे, ठीक है, संरेख होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा यह कोड इस कोड के बराबर आ गया, यह कोड इस कोड के बराबर आया, या बेटा ऐसा भी हो सकता है यह कोड इसके बराबर आया, यह कोड इसके बराबर आया। तो मतलब क्या होगा बेटा? यह कोड मिलाओगे तो 180 होगा, यह कोड मिलाओगे तो 180 होगा। क्या होगा बेटा? यह संरेख हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बाबू 10, ठीक है, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन,